नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक सिंगल क्लिक पे मल्टीपल पिवट टेबल कैसे बनाया जा सकता है। तो मेरे पास एक पिवट है जो कि मैंने यहाँ इंसर्ट करके लगाया हुआ है, आपके सामने दिख रहा है। मैं दोबारा लगा के बता देता हूँ। दोबारा पिवट बना के हमने पिवट टेबल पर क्लिक किया, मैंने यहाँ नेम को रखा, मैंने यहाँ पे सिटी को यहाँ पे रखा, सिटी के नीचे मैंने डिवाइस को रखा और फिर हमने लॉगिन काउंट को यहाँ पे रख दिया। राइट क्लिक किया, इसकी जो टोटल है सब टोटल वो मैंने हटा दिए। फिर राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शन पे गए, ब्लैंक सेल को मैं जीरो कर देता हूँ और यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ। उसके बाद मैं डिजाइन पे गया, एक अच्छा सा पिवट टेबल का डिजाइन हम यहाँ से चूज कर लेते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से चाहिए। तो मान लीजिए हमने इसी को ले लिया। रो लेबल को मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ, ये हमारा पिवट टेबल आ गया। उसके बाद मैं हाइट फील्ड्स को कर देता हूँ, हट गया, ये रिपोर्ट हो गई हमारी। अब मुझे अब यहाँ पे जैसे देखेंगे, अगर मैं बात करूँ फिल्टर की, पिवट टेबल फिल नहीं, पिवट टेबल लिस्ट में आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट है, मान लीजिए। तो प्रोडक्ट कितने, ये हमारे प्रोडक्ट है। अब मुझे ये हो सकता है कि ये अभी तो चलो चार ही है, हो सकता है 40 हो सकता है 400। तो मुझे यहाँ पे एक एक करके सबके लिए पिवट, अलग अलग पिवट बनाना है और उसका नाम यहाँ एक्सेल देना है। तो मैनुअल अगर मान लीजिए अभी चार है तो चार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास काफी ज्यादा अगर हुआ तो, आपके पास अगर काफी ज्यादा हुआ तब क्या करेंगे? तो ऐसे केसेस में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वन बाय वन पिवट लगाने में काफ़ी टाइम हमारा कंज्यूम होगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, एक ऐसा मतलब कि तरीका हो जो कि एक क्लिक पे बन जाए। तो उसके लिए आपको जिसके अकॉर्डिंग अलग अलग सीट में रखना है उसको आपको फिल्टर में रखना है और फिर इसके बाद जो है आप पिवट टेबल के एनालाइज में जाएं और सबसे पहले वाले ऑप्शन होगा, ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन है शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, आपको यहाँ दिख रहा होगा शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज इसको आपने सेलेक्ट कर लीजिए और जो आपने यहाँ फिल्टर में रखा होगा ना वो यहाँ आपको दिखेगा, ध्यान रखिएगा। तो जिसके अकॉर्डिंग करना है उसको फिल्टर में रखना पड़ेगा। फिर जस्ट ओके पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक करते ही आपको विद इन सेकेंड में चार अलग अलग शीट्स बन गए और सिर्फ उसी का डेटा और शीट नेम भी चेंज हो गया। अगर 40 होता तो भी आपको विद इन सेकेंड में हो जाता, 400 होता फिर विद इन सेकेंड में आपका हो जाता। तो इसका इस्तेमाल आप अपने ऑफिशियल लाइफ में कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आज शाम में 5 बजे मैं एक एडवांस एक्सेल की बैच स्टार्ट कर रहा हूं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए एंड डेमो क्लास का फॉर्म भर दीजिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ में अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरी इस नंबर को सेव कर लें, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोलिए, मैं फोन पे सॉल्व कर दूंगा या फिर उससे रिलेटेड हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।